महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर सपा नेता बुधवार को सड़क पर उतर आए। सपा कार्यालय के बाहर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान सपा नेताओं और पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। इस वक्त सपा नेता को आलमबाग के इको गार्डन की तरफ भेजा गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहीं सपा के विधायकों को भी घरों में ही नजरबंद किया गया है। वहीं सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वह शांतिपूर्ण आंदोलन को भी दमन तानाशाही से दबाना चाहती है। हम जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहेंगे, चाहे सरकार हम पर कितना भी जुल्म और अत्याचार क्यों न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।